Welcome, students, to my channel English at Ease. Today, I will discuss with you on the lesson unit 2, section 2 of class 7, book New Pathway. That is, the lesson's name is The Quest for El Dorado. New Pathways.

जैसे कि लंका को हम लोग कहते हैं सोने की लंका ऐसा ही साउथ अमेरिका में लोग कहते थे ऐसा एक जगह है एक शहर है एक जगह है जिसका नाम है एल डोराडो और ये सोने की शहर है लोग कहते थे इस शहर में हर जगह में सोने की ढेर है गोल्ड ले अबाउट इन हिप्स ढेर पैमान पर जहाँ देखो वहीं पर जो है सोना ही सोना दिखाई देता है सोने की रास्ता सोने की ईंटा गोल्डन टेम्पल्स रिच माइंड्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर सोना चांदी का ऐसा शहर लोग मानते थे लोग विश्वास करते थे इसका नाम था एल डोरेडो काफ़ी लोग एक्सपेडिशन किए एक्सपेडिशन मीन्स खोजने के लिए निकले और द एक्सप्लोरर्स बहुत लोगों का जाने गई क्योंकि ऐसा जगह जाने के लिए बहुत नेटिव प्लेस को जंगल पहाड़ को पार होके जाना पड़ता था और काफ़ी लोग इस खोज में अपना जान को भी गवाई क्योंकि ये सभी इंटीरियर एरिया में वहाँ के जो इन्हीविटेंट्स रहते थे मतलब आदिवासी लोग वहाँ के आदिवासी लोग हर देश में जो वहाँ के ओरिजिनल लोग होते हैं उनको हम लोग आदिवासी कहते हैं जैसे कि अमेरिका में अभी भी वहाँ के इन्विटेंट्स को रेड इंडियंस नाम से कहा जाता है रेड इंडियंस ठीक है वो वहाँ के आदिवासी लोग हैं तो आप लोग बहुत सारा सीरियल फिल्म में भी देखा होगा ना जिन लोगों का एक गजब सा आवाज़ काल्पनिक आवाज़ को फिल्म में दिखाया जाता है हुला हुला करके चिल्लाता है बहुत तरह का आवाज़ निकालता है तो मतलब एक कहने के मतलब ये लोग है ये लोग इन्ेविटेंट है जंगल में रहने वाले लोग बाहर से कोई भी लोगों को ये लोग एक एनिमी समझने लगता है विदेशी समझने लगता है दुश्मन समझने लगता है और उन पर अटैक करता है ऐसा इन लोग का ट्रेडिशन है ऐसा इन लोग का मतलब हैबिट है नेचर है कहो क्योंकि वो वे अपना जंगल जीवन में उसी जिंदगी में खुश रहना चाहता है ताकि उसमें कोई इंटरफेरेंस बाहर से नहीं हो ये उनकी ज़िंदगी का एक करेक्टरिस्टिक है एक गुण है एक चरित्र है ऐसा ही साउथ अमेरिका का इस जगह में जाने के लिए काफ़ी लोग ने कोशिश किया लेकिन लोग पहुंच नहीं पाए ऐसा ही इस, इस स्टोरी का एक पार्ट है जिसमें हम लोगों को बताते हैं अंतिम में कहाँ हमें ऐसा Sonic ki nagri mila. That is very interesting story. You must read it, and I hope so that you have already read it. Now today I will discuss with the question and answer part and the exercises. Children who are watching my video, I request you that you must subscribe my channel and press the bell icon so that you will get all my videos very easily and not only for your class 7 in the next class you'll get your videos and the next class 9th and 10th you'll get all the related videos of your class so that you must subscribe my channel okay students now the story is about that and we have discussed the main theme of the story is that the exploration of el dorado और इसमें एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर वाल्टर रेलिग अंत तक कहाँ पहुँचते हैं कैसे जगह को उन्हें मिलता है यही स्टोरी में है अंत में यही कहा जैसे कहीं जगह नहीं है जहाँ पर इस तरह का सोने का नगरी हो लेकिन प्रकृति का ऐसा एक जगह ज़रूर है बहुत सारा जगह ऐसा है जो इस एस एक्सप्लोरर ने बताया जहाँ सचमुच लगता है हर चीज़ सुना है बहुत सुंदर सुंदर जगह में उन्होंने पहुँचा ऐसा विलेज एरिया में पहुँचा जहाँ का नदी जहाँ का हरियाली जहाँ का फॉरेस्ट बर्ड्स फ्रूट्स ट्रीज़ देखकर उन्हें लगा ये सभी गोल्ड के बराबर है वहाँ का रिफ्रेश एयर ये सभी लगता था इतना मधुर इतना स्वीट लगने लगा इतना गोल्ड लगने लगा लेखक ने यही कहा जे इस ई डोराडो लगता एक ऐसा एक कहानी में ही रह जाएगा सपने के नगरी एक कहानी में ही रह जाएगा और सचमुच में प्रैक्टिकली ऐसा शहर ऐसा नगर उन्हें नहीं मिला कम टू द पॉइंट नाउ स्टूडेंट्स यू विल गेट द रेस्ट पार्ट ऑफ़ द एक्सरसाइजेस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इट विल भी अवेलेबल वेरी सुन ओके टूडे विल डिस्कस ऑन लिथ द क्वेश्चन एंसर्स पार्ट स्टूडेंट्स वीडियो में अगर सब एक्सरसाइज को मैं बताऊँ तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी जैसे कि सिनोनिम्स है फिलिंदा ब्लैंक्स ग्रामर कन्जंक्शन जितना कुछ है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करोगे आपको मिल जाएगी ओके दैट विल बी बेटर फॉर यू सो दैट दैट वीडियो विल नॉट बी लॉन्ग लॉन्गर नाउ द एंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन देखो रीडिंग वन रीडिंग वन में एम सी क्यू है ए बी सी वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करा दूंगा ओके स्टूडेंट्स यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट सो दैट इट विल बी वेरी कंफर्टेबल टू राइट द एंसर्स इन योर कॉपी ओके नाओ वन बाई वन आई एम टेलिंग द एंसर्स वन टू Question number two A What made explorers undertake a hazardous journey to South America? The earlier explorers traveled to South America, a mythical city of gold E. L. Dorado, of that was supposedly located in the unexplored interior of South America. South America ka aisa ek jaga unexplored means that जहाँ पर अभी तक कोई ने खोज नहीं किया है नंबर टू नाउ हाउ डिड पीपल कम टुगेदर फॉर एक्सपेडिशंस इस नया जगह की खोज में लोग कैसे एकत्रित हुए थे कैसे निकले थे सम वरिसमेटिक पर्सन अनाउंस्ड ही इंटेंशन टू गो ईल डोराडो एनी वेयर फ्रॉम ए हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड यूरोपियंस वुड साइन अप विथ देयर वेपन्स एंड हॉर्सेस मतलब कुछ इम्प्रेसिव लोग कैरिसमेटिक मतलब कुछ एट्रैक्टिव लोग कुछ बहुत ऐसा दिमाग वाला लोग यूरोप के जब इस बात के लिए निर्णय किए थे जब हम लोग ई एल डोराडो को खोजने के लिए चलेंगे तो बहुत सारे लोग लगभग 100 से 100 से 700 लोग 100 टू 700 हंड्रेड यूरोपियंस सभी यूरोपियंस यूरोपियंस बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरर होते हैं अब बच्चे जानते हो भारत में भी ऐसे ही अंग्रेज भारत को खोजने के लिए आए थे नए ट्रेड करने के लिए आए थे थमास राव और जेम्स हॉकिंस धीरे धीरे पूरा भारत को उन्होंने कब्जा में ले लिया ना केवल इंडिया एशियन कंट्रीज एंड मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज जहाँ के लोग अफ्रीकन कंट्रीज़ में लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे उतना लिटरेट नहीं थे उस सभी जगह में उन्होंने कब्जा किया तो ये बहुत एक्सप्लोरर होते हैं इन लोग का टेंडेंसी होता है एग्रेसिव अटेंडेंसी होता है विस्तार करो कब्जा करो इस तरह का जो भी हो तो ऐसे ही कुछ लोग यूरोपियंस लोग अपना हथियार लेके, अपना बहुत सारा घोड़ा बहुत सारा अपना खाने पीने का सामान लेके निकले हुए थे लेकिन ये लोग सक्सेस कोई नहीं हुए हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में आपको साथ साथ मैं बता रहा हूँ ताकि आप समझने आपको सुविधा हो वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द एक्सप्लोरर्स उन लोगों को क्या क्या दिक्कतें आई थी द अर्ली एक्सप्लोरर्स इन साउथ अमेरिका वेअर फेस्ड विथ अनफेमिलियर सरकमस्टेंसेस एज कैसा कैसा स्थिति का सामना किया था एज मॉस्क्यूटो इन्फेस्टेड स्वाम्स दलदल जहाँ बहुत सारा मच्छर हो जहाँ वो लोग टिक नहीं पाए ऐसा इंटीरियर जगह एंग्री नेटिव्स हम मैंने पहले बताया वो नेटिव्स मीन्स दैट वहाँ के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट लोग जो वहाँ के आदिवासी लोग उनके साथ इन लोग उनका गुस्सा के काबिल मतलब सामना करना पड़ा उन लोग पहचान नहीं पाए ये कहाँ से आ गए ये यूरोपियंस ये इंग्लैंड अमेरिका के इंग्लैंड के लोग कहाँ से आ गए जरूर हम लोग को लूटने के लिए आए होंगे हम लोग को मारने के लिए आए होंगे लोग उन पर टूट पड़ते थे मार देते थे ब्लेजिंग हीट ऑन द plains और बहुत ज़्यादा गर्मी फ्लडेड रिवर्स भयंकर नदी जहाँ पर बहुत तेज़ रफ्तार का पानी था आपने कहानी में भी पढ़ा होगा एंड डेंजरस माउंटेन पसेस और बड़े बड़े पहाड़ पर्वतों के बीच में से जो रास्ता ये सभी को पार करने के लिए इन लोग के पास बहुत मुसीबतें होती थी इस मुसीबत को पार करना इन लोग के लिए काफ़ी मुश्किल था Now, डी वाई वॉज एंटोनियो डे बैरियो देखो नाम बहुत बड़ा है एंटोनियो डे बैरियो फोर्स टू गिव अंत में ये भी एक ऐसे एक्सप्लोरर थे लेकिन इन्होंने जवाब दे दिए गिव अप छोड़ दिए खोजना क्यों छोड़ दिए हम लोग आंसर देखते हैं द सर्वाइविंग मैन वेर सो वेरी एंड एगर टू रिटर्न होम जितने लोग को लेकर वेरियो ने निकले थे सभी लोग थक चुके थे काफ़ी लोग मर चुके थे जो बचे हुए थे सर्वाइविंग मैन जितने लोग जिंदा थे सब बोले अब नहीं जरूरत नहीं है सोने के शहर हम लौट चलो घर रिटर्न होम दैट बैरियो वॉज फोर्स टू गिव अप हिज एडवेंचरस एडवेंचर्स ऑफ दैट कोस्ट ही देन सेटल्ड ऑन द आइलैंड ऑफ टिनी दत्त के नाम आप लोग सुने होंगे और इस ट्रेनी में जाके वो सभी लोगों को वहीं सेटलमेंट करा दिए और वहां के गवर्नर बन गए ठीक है नाउ द आंसर ई वॉट डिफिकल्टीज डीट बैरियो फेस इमिडिएटली आफ्टर सेटिंग आउट निकलने के बाद ही उन्हें क्या क्या डिफिकल्टीज हुई ई नाउ द आंसर यू सी दैट बैरियो सेट आउट विथ सेवन हंड्रेड हॉट्स मैन बट द रूट वॉज वेरी डिफिकल्ट एंड एग्जॉस्टिंग द नेटिव यूजली हॉस्टाइल एंड मैनी ऑफ द मैन एंड हॉर्सेज डाइड और वेर स्लैन लोग थक चुके थे लगभग सात सौ लोगों को लेकर उन्होंने निकले थे लेकिन पहुँच नहीं पाए रास्ता में उस खूंखार नेटिवस के साथ वहाँ के लोगों के साथ भेंट हो गया काफ़ी लोग कतल हो गए स्लैन स्लैन मीन्स मार डाल मार डालना काट देना स्लैन मीन सीधा काट देना ऐसे ही हुआ काफ़ी उनका हॉर्सेस भी मर गए घोड़ा भी मर गए और आदमी को भी काट दिया गया तो ऐसा स्थिति में उनको रिफ्यूज करना पड़ा उनको छोड़ना पड़ा अपना एक्सपेडिशन छोड़ना पड़ा और वो जाके ट्रिनी में जाके गवर्नर बन के रह गए एक आइलैंड में चले गए और वही रहने लगे फिर लौट के नहीं आए अब देखो नेक्स्ट एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे जिसका नाम मैंने बताया रैलीग रैलिग क्योंकि पहले बोले ब्रिटिश सोचो इंग्लैंड कहाँ है एक छोटी सी देश कहाँ वहाँ से उस समय में सोचो सिक्सटीन हंड्रेड के समय में जब भारत में मुगल शासन था जहांगीर नवाब जहांगीर भारत का सम्राट थे उस समय में दो ब्रिटिश भारत में आए थे आप इमेजिन करो उन लोग कितना एग्रेसिव होते हैं कितना एक्सप्लोरर होते हैं दूसरे जगह खोजने के लिए नया जगह तलाशने के लिए इसलिए इस स्टोरी का नाम भी ऐसा है कस्ट ऑफ ई एल डोरेडो कॉस्ट मीन्स तलाशना द कॉस्ट फॉर ई एल डोरेडो ई एल डोरेडा का तलाश में नाउ सी दैट रैली दैट इज द एफ हाउ डिड बैर यू हेल्प वॉल्टर रैली वॉल्टर रैली भी निकले थे ऐसे ही लोगों को लेकर रैली रिस्ट इन त्रिनी वेर ऑलरेडी बैरियो सेटल्ड हिमसेल्फ एज द गवर्नर बैरियो वेलकम्ड रैली विथ काइंडनेस एंड क्वाटसी बहुत अच्छा से गवर्नर बैरियो ने रैली को मदद किए बहुत स्वागत किए बहुत सारा उन्हें समान दिए ताकि उनको जान के आगे बढ़ने के लिए सुविधा हो एंड शेयर्ड ऑल द यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफ दैट प्लेस उस जगह के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन भी उन्हें शेयर किए ओके स्टूडेंट्स नाउ जी व्हाट डिफिकल्टीज डिड वाल्टर रैलिक फेस वाल्टर रैलिक को क्या क्या डिफिकल्टीज को सामना करना पड़ा नाउ चिल्ड्रेन द फर्स्ट डिफिकल्टी रैलिक रियली फेस्ड वॉज द स्टॉर्मी वेदर ऑन द ओशियन समुंदर का आंधी तूफान के सामना करना पड़ा एंड द नेटिव्स वो जो मैंने पहले बताया क्योंकि वो बाहरी लोगों को नहीं मानते थे उन लोग ये कहाँ से आ गए जरूर दुश्मन होंगे उन्हें इस चीज़ को पता था क्योंकि बैरियो ने उन्हें सब कुछ बता दिया था वे आर वेरी हॉस्टाइल ही हैड टू विन देम विद ग्रेट केयर एंड एफर्ट्स उन्हें मालूम था इन लोगों के साथ बहुत अच्छा से पेश आना है को मालूम था जे इन लोगों को पहले ही बताया गया है जे ब्रिटिशर्स जो होते हैं एक गोड़े चामड़े वाले लोग ये बहुत ही लुटेरा होते हैं ऐसा ही इन नेटिव्स को मालूम था जे ब्रिटिशर्स लुटेरा होते हैं और इन लोग हम लोगों को मारने के लिए आए कैनिबल्स बहुत खूंखार हैं आदमखोर हैं इन लोग इसलिए जैसे ही वाइट मैन को देखो वैसे ही मारो ऐसे ही इन लोगों का भावना था रैली को मालूम था ये इस नेटिव्स का नेटिव्स लोगों का ऐसा भावना को हमें उभर पाना है समझाना है उन लोगों को मोटिवेट करना है अपना फेत में लेना है तभी हम उस जगह को डोराडो तक पहुंच पाएंगे डोराडो तक पहुंच पाएंगे ओके okay, स्टूडेंट्स

क्वीन एलिजाबेथ का पोर्ट्रेट उनको वो दिखाते हैं इन एक लाइन में पढ़ता हूँ स्टोरी से इन रिटर्न ही टोल्ड हिम अबाउट हिज ओन कंट्री एंड इट्स ग्रेट क्वीन एंड शोड हिम ए पोर्ट्रेट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ ये देखोगे बुक में है ए लाइन तो ऐसा ही दिखाया गया और लोगों को अपना फेत में लिए तब लोग समझने लगे कि नहीं नहीं ये मेरा दुश्मन नहीं है ऐसे करके समझने लगे ओके इंग्लिश रॉबर्ट्स एंड कैनिबल्स टू ओवरकम द सस्पिशियन यही संदेह सस्पिशियंस इस संदेह को दूर करने के लिए अमंग द नेटिव्स ही केयर्ड ऑन देम विद ग्रेट काइंडनेस एंड जेंटलनेस बहुत महानता के साथ बहुत दया के साथ दयालु भावना रखकर वो चलाक थे बहुत वो चलाक ब्रिटिश रेलिक लोगों को दिल को जीत लिए और उन लोगों के सहारे आगे की ओर बढ़ने लगे आप कहानी में देखोगे सचमुच में अंत तक ऐसा जगह तो नहीं मिला लेकिन रेलिग ने ऐसा जगह उन्हें मिला जिन्होंने लिखा है आई नेवर सॉ ए मोर ब्यूटिफुल कंट्री ही सोरेस्ड हेयर आर दअर ओवर द वैलीज द रिवर विंडिंग इन टू डाइवर्स ब्रेंचेस रेलिग ने लिखा ऐसा जगह ऐसा सुंदर देश मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा ओके स्टूडेंट्स द लास्ट लाइट ऑफ द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग ई डोराडो लाइज कंसील्ड इन द मीज ऑफ लेजेंड एंड रोमांस ऐसा ही एक लोक कथा में एक रोमांच भरा एक एक्सपेडिशन एक के अंदर ही ई e. डोराडो रह गया मतलब सचमुच में ई e. डोराडो नाम का सोने का नगरी नहीं मिला लेकिन जो जगह मिला ও গোল্ড সে সিল্ভর সে কম নই ওকে স্টুডেন্টস আই হোপ দ্যাট ইউ হ্যা এঞ্জয়ড দিডিও ওকে গুড বা